क्लास 9 साइंस के लेक्चर 3 का पार्ट 6। आज हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। जैसे कि हम पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जो एटम का साइज है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। टिनी पार्टिकल मानते हैं हम इसको, एटम को, और इसको हम सीधा आँख से देख भी नहीं सकते देखाई से, इसके लिए हमको कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। इसलिए हम इनको हम सीधा काउंट नहीं कर सकते, नहीं गिन सकते, छोटे यूनिट से हम काम नहीं चला सकते। हमको इनको गिनने के लिए बहुत बड़ी संख्या की जरूरत होती है। इसलिए हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, मोल कॉन्सेप्ट, जिनसे हम इनको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि 1 डजन इक्वल्स टू कितनी पार्टिकल्स, कितनी चीजें, कितने सब्सटेंस हो सकते हैं, 12 चाहे वो कुछ भी हो। अगर 1 डजन है तो 12 होगी, अगर 1 डजन बनाना है तो भी 12 होंगे, अगर 1 डजन मैंगो है तो भी वो कितने होंगे, 12। वेट से इसका कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि इनका लेना देना होता सिर्फ क्वांटिटी से, यानी कि हमेशा 12 ही होंगे। लेकिन एटम को गिनते लगेंगे तो थोड़े से ही स्पेस में बहुत सारे एटम आ सकते हैं, हम डजन के हिसाब से तो नहीं गिन सकते। इसलिए हम इसको थोड़ी सी बड़ी यूनिट ले लेते हैं इससे, जिसको हम बोलते हैं मोल। और एक मोल में, जैसे एक डजन में 12 पार्टिकल हो सकते हैं, किसी भी टाइप के हो, कुछ भी हो, 12 ही होंगे, 12 ही होंगे। एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ, आप साथ साथ देख सकते हो और काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो कितने हो जाएंगे। इतने पार्टिकल एक मोल में होते हैं, अगर आप गिनना चाहो तो गिन सकते हो। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6.022 × 10⁻²। इतने पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, 1 मोल। यानी कि हम 12 पार्टिकल, 12 ही उसमें 12 सब्सटेंस हो, 12 हो तो 1 डजन बोलते हैं। इसी टाइप से अगर इतने पार्टिकल हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, 1 मोल, 1 मोल बोलेंगे। और ये कोई ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, ये सिर्फ कितनी वेट में हो सकती है, ये हो सकती है 1 ग्राम हाइड्रोजन हमारे पास, उसमें 1 ग्राम, आप देख सकते हो कितना होता है, ज़्यादा नहीं होता, 1 ग्राम हाइड्रोजन में जितने एटम्स, जितने पार्टिकल होते हैं वो होते हैं 1 मोल। यानी कि इतने पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कितने भाग में, 1 ग्राम हाइड्रोजन में। इसलिए हम एटम्स को मेजर करते टाइम, उनको क्वांटिटी लेते टाइम, उनको गिनते टाइम हम सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट लेंगे, मोल के बराबर मानेंगे कि 1 ग्राम में कितने मोल, 2 ग्राम में कितने, इस तरीके से। यानी कि हम वेट को मोल के हिसाब से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन है, उनमें गिन के देखें तो कितने पार्टिकल आएंगे, अगर हम उसको गिन के देखें तो इतने पार्टिकल, इतने एटम्स हाइड्रोजन के आ जाएंगे, कितने, 1 मोल। 1 मोल यानी कि 6.022 × 10⁻², यानी कि इतने एटम होते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन में। और इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, ये थोड़ा छोटा एटम है इसलिए 1 ग्राम में ही इतने हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा बड़ा एग्जांपल लें, थोड़े बड़े एटम्स की बात करें, जैसे कि हम बात कर सकते हैं ऑक्सीजन की, तो उसके 16 ग्राम में 1 मोल पार्टिकल होते हैं। 1 मोल पार्टिकल मतलब कितने, दोबारा से इतने पार्टिकल होते हैं, कितने वेट में, 16 ग्राम में। क्यों, क्योंकि थोड़े से बड़े होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन के 16 ग्राम में 1 मोल, 1 मोल मतलब इतने पार्टिकल होते हैं। अगर लास्ट एग्जांपल की बात करें हम वाटर की, तो वाटर जो है इसका वेट 18 यूनिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर के 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के 18 ग्राम में 1 मोल। दोबारा से ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि वाटर के 18 ग्राम में 1 मोल पार्टिकल होते हैं। 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल, इतने, और इसका मतलब कितने, इतने पार्टिकल होते हैं, कितने वेट में, सिर्फ और सिर्फ 18 ग्राम, 18 ग्राम में इतने पार्टिकल होते हैं। इनका यूज करके आप और किसी का एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ये था मोल कॉन्सेप्ट के बारे में।